अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वतन टीवी 92। आज हम खड़े हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर। जैसा कि सबको पता है, आप सब जानते हैं, मूसा एक तालिब इलम, एक नौजवान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और रात देर उसको हॉस्टल से निकाला गया जस्ट बिकॉज उसके हाथ में रबाब था। वजह क्या थी, इसके पीछे क्या रीज़न थी, किसी को नहीं पता। लेकिन एक रबाब की वजह से आधी रात को एक तालिब इलम को हॉस्टल से निकाला जाता है, वो तालिब इलम आधी रात को रोड पर निकलता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद फिर आगे उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। ये वाकई में एक बहुत ही अफसोसनाक एक वाकया है। आज उसी के अगेंस्ट, उसी के हक में एक प्रोटेस्ट है यहाँ पर पेशावर क्लब, पेशावर प्रेस क्लब के बाहर। हमारे साथ खड़े हैं जनाब मोहतरम बिलाल साहब, हम उनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, ये बताएं, आज जो प्रोटेस्ट है मूसा के लिए, आप सब निकले हैं, सब तालिबे इल्म निकले हैं, इस पर ज़रा से आप रोशनी डालें इस वाक्य पर। ये देखिए जी, ये मलाकंड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म या शोबे सहाफ़त का छठी सेमेस्टर का तालिब इल्म मूसा अपनी यूनिवर्सिटी रबाब ले गया था। तो वहाँ पर जो उनके प्रोवोस्ट थे, उनको रबाब से वो इनसिक्योर फील किया, क्योंकि वो एक ऐसी सोच रखने वाले बंदे थे कि जो मजहबी मुनाफरत इस मुल्क में फैलाते हैं। तो उन्होंने उस नौजवान को शोकॉज नोटिस दिया, और फिर रात को 10 बजे, आप इस मसले को देखें कि आप एक नौजवान को रात को 10 बजे यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। तो वो जब तीन शागिर्द एक मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वो जो बच्चा था उसमें एक वो शदीद ज़ख्मी हुआ। फिर उसको मुख्तलिफ अस्पतालों में फिराया गया, लेकिन वहाँ पर बेड मौजूद ना होने की वजह से वो बच्चा चल बसा। ये बताएं, ये दूसरा वाकया मेरी नॉलेज के मुताबिक कि इससे पहले बच्चा खान यूनिवर्सिटी में एक मशाल खान का स्टूडेंट था, शायद उसके साथ भी ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुआ था, ये दूसरा वाकया है। खुदा न ख्वास्ता आगे कोई और वाकयात पेश ना आए, इस मुतलिक आप हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं? देखिए जी, हमारा हुकूमत से सबसे पहले मुतालबा ये है कि ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसके अंदर जो आप लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, नफ़रत की बात हो रही है, इसको ख़त्म करें, अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें। सबसे ज़रूरी ये है कि यहाँ पर ऐसे इंतज़ामी अफसरान लेकर आएँ कि जो अदब को समझते हों। हमारा इतना खूबसूरत अदब है, हमारा लिटरेचर है, हमारी सकाफ़त इतनी अच्छी है कि ये सारी अमन मोहब्बत की बातें हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। शायरी, शेर व शायरी, सुखन, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। तालिबे इल्म जितनी अमन की बात करेंगे, ये इतना हमारे इस मुआशरे की सेहत के लिए अच्छा है। और मुझे पता है कि इस वक्त उनके वालिद पे, उनकी वालदा पे, उनके बहन भाइयों पे, उनके दोस्तों पे क्या गुजर रही होगी। तो खुदा ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, और इस वाक्य से हमें सीखना चाहिए, हमारी हुकूमत को सीखना चाहिए, और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। उसने एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए हम सबको इकट्ठा किया, पाकिस्तान डेवलपमेंट फाउंडेशन वालों ने और उनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ने, और हम उनके बहुत मशहूर हैं। बिकॉज जब ये हमने इस तरह के अदम बर्दाश्त के और दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं हमारे मुल्क में, तो हम कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। अब बिल्कुल हम ये समझते हैं, और हम सब एक ही सुर बजा रहे हैं, और वो सुर और साज हमारा जो है वो एक पुरअमन पाकिस्तान का है, और यही हमारा ख्वाब है, और एक पुरअमन पाकिस्तान तश्कील दे सके। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे रैंक्स में ये हेल्दी डायलॉग शुरू हो कि हम अपना कल, आने वाला कल और आने वाला पाकिस्तान जो है वो किस तरह से देखना चाहते हैं। ये वो ख्वाब है जो जिसे हमने मिलकर तश्कील देना। यूसुफ अनवर हूँ, मैं मजदूर किसान पार्टी का सूबाई सदर हूँ, और मेरा ताल्लुक इस वक्त सिविल सोसाइटी के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आया हूँ। और ये जो वाकया हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद हो, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल खान को शहीद किया गया था। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, और ये हमें अमन चाहिए, इस सूबे को अमन दें, रोज़गार दें, और ये जुल्म बंद कर दें।